Welcome to Bakeaholic. For the mango glaze, I have 1/4 cup mango puree, 1/4 cup liquid sugar, 1 tablespoon corn flour and some water. ये सबको अच्छे से मिक्स करके अब मैं पका लूंगी। ये जैसे बबलिंग स्टार्ट हो गई है, बस हमारा ग्लेज इज रेडी। इसको थोड़ा सा और पका के मैं बंद कर दूंगी, लाइक फ्यू सेकेंड्स। मैंने इसमें एक्स्ट्रा 1.5 टेबलस्पून पानी ऐड किया था, क्योंकि ये बहुत थिक हो गया था। तो फाइनल कंसिस्टेंसी इज दिस, आप देख सकते हैं ये जेल लाइक फ्लोइंग हो गया है। ये ठंडा होके थोड़ा और थिक हो जाएगा। फॉर मैंगो क्रीम वी नीड 1/2 कप ऑफ चिल्ड व्हिप्ड क्रीम एंड सम मैंगो प्यूरी। सिंस इट्स वेरी हॉट आउटसाइड और मुझे क्रीम व्हिप करनी है, तो उसके लिए मैंने अपने बोल और ब्लेड्स को सुपर चिल कर लिया है। एंड ऑल्सो आई एम गोना क्रिएट अ वाटर बाथ हेयर, विच इज़ मैंने एक बर्तन में आइस क्यूब्स लिया हुआ है, उसके ऊपर मैं अपना ये बर्तन रख के क्रीम व्हिप कर। एंड टू प्रोवाइड अ फर्दर इंसुलेशन मैं इस बर्तन के नीचे एक कपड़ा रख दूंगी। एंड वन मोर थिंग, मैं इस आइस पर थोड़ा सा नमक डालूंगी, इससे ये बर्फ जल्दी से मेल्ट भी नहीं होगी और स्टिक रहेगी साथ में। जस्ट अ पिंच और टू बस, और इसके ऊपर ये बोल। हम प्लेट्स फिक्स करते हैं। क्रीम पोर करके व्हिपिंग स्टार्ट करते हैं। अगेन आई विल रीसेट माय टाइमर कि अब कितना टाइम लगता है हमें ये क्रीम व्हिप करने में। Again, I have started at the low point and gradually I will increase my speed to medium high. After whipping for 2 minutes, मैं अपनी speed एक notch बढ़ाती हूँ to medium low. After 3 minutes of whipping, हमें soft peaks मिलने लगी हैं। Again, peaks बन रही हैं, लेकिन droop down हो रही हैं। हम थोड़ा और whisk करेंगे इसको। Now we are getting the consistency we need. आप देख सकते हैं कि ब्लेड्स में अगेन ब्लेड मार्क्स क्रीम पे बन रहे हैं जैसे जैसे हम व्हिप कर रहे हैं। एंड आफ्टर 4 मिनट्स ऑफ व्हिपिंग हमें हमारी हार्ट पीक्स मिल रही हैं। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें मेरी मैंगो प्यूरी मिला दूंगी, अ लिटिल एट अ टाइम, और फर्दर बीट करूंगी।
एट लो स्पीड। तो आफ्टर 6 मिनट्स ऑफ विपिंग मेरे पास ये स्टिफ पीक्स के साथ में मैंगो क्रीम इज रेडी।